हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इन टेक्निकल क्लासेस सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जो बच्चे कह रहे थे सर वी एस एस सी के जितने भी सेट हैं दो दो हज़ार चौदह से लेके पंद्रह से लेके जितने भी सेट हैं दो हज़ार बाईस तक सारे आपको सॉल्व करवा देंगे तो आपका जो बीस तारीख बीस अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है ना उसको देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी आपके सेट हैं सारे आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे तो सभी फटाफट सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए और एक बार मुझे ये बता दीजिए वॉइस क्वालिटी और मैं आप तक दिख रहा हूँ कि नहीं पहले ये बता दीजिए सभी लोग आ जाइए लाइव और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है चाहे वो काकर पारा का हो चाहे इसरो का हो या किसी भी डिपार्टमेंट का हो प्रीवियस ईयर सभी के लिए रामबाड़ है है ना चलो हाँ हेलो गुड इवनिंग सर सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को राम राम और जय हिंद सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और आज की क्लास नंबर टू है ठीक है क्लास नंबर बोले तो पार्ट है देखते हैं किस में कितना है दम सॉल्व करते हैं रैपिड फायर तरह क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव ठीक है, था 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 है question, 25, चल। आ, चलो आलोके चलो ठीक है ओके चलिए इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जो आपके वी एस एस सी या जो भी आपके इसरो के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसको देखते हुए सारे आपको सेट को सॉल्व करा दे चाहे वो फिटर के बच्चे चाहे मशीन के बच्चे हों यहाँ के बच्चे सारे को मिक्स कंपोनेंट है सर घंट, आ, कितने घंटे चलेगा चलेगा परेशान ना हो थोड़ा सा और पास आने दो ना जितने भी सेट है ना उसके मराथन क्लास कर करवा देंगे परेशान ना हो आप लोग ठीक है चलो आइए चलते हैं हाँ जो बच्चे हैं बार के लिए जो बच्चे इसरो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं ऑफलाइन मेरे साथ कनेक्ट होकर ऑफलाइन बैचेस में तो वो आ सकते हैं आपके कानपुर सेंटर में न्यू बैच अभी फ्रेशी बैच है स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और आपको थ्योरी क्लासेस दोनों कराई जा रही हैं यहाँ पे ज्यादा जोर है प्रैक्टिस का जो बोलते नहीं सर आते हुए क्वेश्चन कैसे गलत हो जाते हैं तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चा तो वो प्रैक्टिस हम हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में जो कि है कानपुर में तो जो भी बच्चे आना चाहते हैं तो उनका मोस्ट वेलकम है ठीक है चलो आगे ये अगर हंड्रेड प्लस लेक्चर क्वेश्चन क्वेश्चन ये नहीं देखे मतलब ये आपने वीडियो नहीं देखी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने दो क्लास आपको 200 क्वेश्चन करा रखे हैं निम्मी के जो वही होते हैं जो आते हैं आपके एग्जाम में ठीक है तो आप ये वीडियो देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे वीडियो है जितनी भी वीडियो चाहे वो निमेकल के क्वेश्चन हो चाहे ड्राइंग के क्वेश्चन हो सारी वीडियो आपको इसके क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर मिल जाएंगे तो सब वॉच करके जाना चाहे बस पे बैठ के जाना चाहे ट्रेन से जाना चाहे हेलीकॉप्टर से जाना मगर वीडियो वॉच करके जरूर जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स हैं ठीक है चलो आइए आते हैं स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और इसरो बैच के साथ अगर आप कनेक्ट नहीं हो इसरो बैच की या आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो इसरो वाली तैयारी करनी है एक लेवल अपना यहां से यहां करना है तो मेरे साथ करेंट हो जाना इस वाले बैच में मात्र अभी भी चार सौ निन्यान की फीस है ठीक है चलो वीएसएससी विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर उसका पेपर स्टार्ट होने वाला है जो कि बीस अगस्त को ठीक है जैसा आपको आपका एडमिट कार्ड भी आ गया होगा ठीक है जितने भी डिपार्टमेंट हैं चाहे आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर को जय शायद का हो चाहे आईपीआरएससी का हो जितने भी डिपार्टमेंट में सारे का मैं आपको यहीं पे YouTube पे आपको सॉल्व करवा दूंगा सारे सेट का तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पहली बात प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना दी है तो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे यहां से आपको एक लेवल पता चल जाएगा क्या है तो यहां मैंने आपको 2012 में जो पेपर हुआ था 2015 में जो पेपर हुआ था 2016 में 2017 2018 2019 जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं वी डिपार्टमेंट में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में उसके में सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा ठीक है तो यहां जो आज का पेपर लाया हूं आज लाया हजार 2019 का ठीक है 2019 का जैसे आपको डेट दिख रहा होगा तो सेम जो जो लैंग्वेज है आपका एग्जाम का पैटर्न है वही मैं सेम लेके पे मैंने कुछ आपको ज्यादा एडिट नहीं किया है ठीक है चलो आइए आगे आते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा टेक्नीशियन भी जैसे आपको पोस्ट दिख रहा है तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ड्रेसिंग ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील रिफर टू अगर आपने ग्राइंडिंग व्हील चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे एक ड्रेसिंग का तो ड्रेसिंग क्या काम करता है यहाँ पे ये पूछ रहा है ठीक है बहुत ही सिंपल सा और इजियस क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आता हार्ड हम बना देते हैं कि इसरो का क्वेश्चन है सर ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आज तुम खुद पता चल जाएगा कि 2019 में जो पेपर पूछा गया था क्या पूछा गया था ठीक है चलो देखो यहां पे क्या पूछा है कि ड्रेसिंग ऑफ द ग्राइंडिंग विल चक्र में कर्तन कार विधि का पुनः स्थापन देखो इसकी जो हिंदी लैंग्वेज है ना बहुत ही टिपिकल है तो इसलिए मैं हिंदी जो जैसी है वैसे लेके आऊँ कि आपको रूबरू हो जाओ कि हाँ कैसे क्वेश्चन आता है ठीक है चक्र को आकृतिया मतलब कि शेपिंग ऑफ द व्हील या मेकिंग द व्हील कंसेंट्रिक विद द एक्सेस या चेंजिंग द व्हील चलो बताइए देखते हैं किस बच्चे का राइट right आंसर था और सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना इतना लो। ये जो वाली ये बहुत है। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं डालना, मेरा नाम डालना, देंगे, चलो बहुत बच्चों का आ गया विक्रम जी का आ गया है पिंटू कुमार जी का आदित्य रंजन जी का ए आया है चलो बहुत सही देखो यहाँ पे क्या रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन व्हील मतलब कि इसका ये हुआ जो आपका ग्राइंडिंग व्हील जो ड्रेसिंग होता है ना ड्रेसिंग टूल होता है ठीक है जो आपके जो व्हील होते हैं ना वो चलते चलते क्या होते हैं लोड हो जाते हैं लोड मतलब लोडिंग एक डिफेक्ट होता है दोष होता है जिससे कारण वो काटना बंद कर देते हैं ठीक है अब काटना बंद कर दे तो हम नए व्हील तो यूज करेंगे नहीं बस उसी को हम रिसार्फ कर देते हैं रिसार्फ नहीं कर देते जिससे कि नए कर आ जाते हैं तो उसी को बोल रहा है कि रिस्टोरिंग द कटिंग एज एक्शन द द ऑफ व्हील तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने दिया ठीक है ओके okay, चलो आगे आइए आगे आइए आगे दूसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द फ्लैश फॉर द बोल्ड है ये पकड़ना है क्वेश्चन द ओपनिंग ऑफ द डिल होल बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है ठीक है वीएसएससी में पूछा गया था तो वही क्वेश्चन लेके आया हूं इतना जान लो अब ये कहोगे सर इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रहे हो हम नहीं करा रहे हैं ये इसरो के सेट में आया तो वही मैं आपको करवा रहा हूं ठीक है नहीं आपको पता है हमारा लेवल क्या है जब हम मैं कराता हूं क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन टच करता हूं जो आपको लगे कि हाँ ये सर धमाकेदार जैसे कंसेप्ट क्लास देखी होगी ना वैसे ही चलो बताइए क्या कह रहा है द प्रोसेस ऑफ द बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ द डिल्ड क्या काउंटर बोरिंग काउंटर सीटिंग स्पॉट फेसिंग या रेमिंग चलो देखते हैं किस बच्चे का राइट आंसर आता है हाँ कुछ बच्चों का बीबी आ रहा है कुछ बच्चे का ए आ रहा है हाँ? अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो सिंपल सा क्वेश्चन है और अलग अलग इसमें भी दे रहे हो आप लोग हाँ चलिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए वीडियो तो कुछ वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हो और लाइक तब करते हैं जब आपको लगे कि हाँ सर कुछ धमाका था ठीक है देखो

को बड़ा करना उसको बोलते हैं काउंटर बोरिंग और रेविंग पता है किए गए होल होल को अच्छी अच्छी फिनिशिंग फिनिशिंग मतलब थोड़ा सा सूच होल बनाने के लिए, अच्छी लाने के लिए लिए लाने हम करते हैं ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इतना जान लो अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो और लगता है तो इजी मगर जब पेपर में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो बाहर हो जाते अभी जैसे आप सॉल्व कर रहे हो अरे सर क्या छोटे 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 क्वेश्चन है नहीं छोटे नहीं बच्चा यही क्वेश्चन है सेट उठाना उन्नीस का ऐसे रूबरू मिल जाएगा आपको ठीक है चलो हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही क्या पूछा है द मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट तो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या होती है एक फार्मूला होता है कि आपका टॉलरेंस का टॉलरेंस का क्या फार्मूला होता है सिंपल सा ही होता है रुको यहाँ पे देखो देखो सिंपल का फॉर्मूला होता है कि आपकी हाई हाई लिमिट हाई लिमिट हाई लिमिट साइज हाई लिमिट साइज माइनस लो लो लिमिट लो लिमिट साइज लो लिमिट साइज क्वल टू टी मतलब कि सीधा सीधा टॉललेस ये आपका फार्मूला होता है ठीक ठीक है 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 पे पे क्या क्या पूछा कि कि और और मतलब तो आप सीधा बोल दोगे अब देखो होता है? Deviation को बोलते हैं विचलन ठीक है विचलन क्या होता है कि भैया कि आपका बेसिक साइज और हाई लिमिट साइज तो उसको बोलते हैं विचलन मतलब algebraic difference between high limit, basic size और बिटवीन हाई लिमिट साइज ठीक है अब पे इंटरफेरेंस फिट और फिट इनके बारे में अभी आगे क्वेश्चन है क्योंकि दो तीन क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस से पूछा गया है क्यों क्योंकि है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है चलो आगे ये नेक्स्ट अट्ठाइस प्लस माइनस पॉइंट जीरो फाइव एक आपको ये दिया गया है तो बताइए इससे पूछा है कि आपको टॉलरेंस क्या होगा सिंपल सा चलो बताओ पॉइंट फाइव एमएम या अट्ठाइस एमएम या वन एम एम या अट्ठाइस पॉइंट फाइव एम एम सिंपल सा क्वेश्चन है

ठीक है सेम साइन हो अगर आपके पास सेम साइन हो मतलब कि प्लस प्लस और प्लस प्लस हो ठीक है और आपका माइनस माइनस हो तो उस कंडीशन में आपको यह करना है कि जो भी वैल्यू हो हाई लिमिट साइज में और लो लिमिट साइज में देन आपको जाकर सीधा सीधा आपको क्या करना है वहां पे माइनस कर देना है सर बिल्कुल सर माइनस कर देना अगर आपका डिफरेंस साइन हो ठीक है डिफरेंस साइन हो डिफरेंस साइन ठीक है डिफरेंस साइन हो तो उस कंडीशन में आपका करना डिफरेंस साइन जैसे प्लस माइनस हो गया डिफरेंस डिफरेंस साइन साइन हो 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 गया minus, हो गया हो गया ठीक है माइनस प्लस तो उस कंडीशन में आपको वहां पे प्लस कर देना है हाई लिमिट हो जाए लोअर तो यहां पे देखो ध्यान से ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछा है कि अब देखो साइन पकड़ना अब आपको वो नहीं करना कि भैया इसको जोड़ो बेसिक साइज फिर हाई लिमिट जोड़ो तो हाई लिमिट साइड निकल गया। ना ऐसा कुछ नहीं देखो यहाँ पे देखो साइन पकड़ो साइन पकड़ा यहां सर डिफरेंस साइन है तो उस कंडीशन में प्लस करना था भैया इसको प्लस कर दो क्योंकि ये चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो देखो कंफ्यूजन नहीं होना अगर मुझसे आप पढ़ रहे हो ना ये चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो तो जब इसको प्लस करोगे सीधा सीधा आपका वन आ जाए तो वन एम एम इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है ओके चलो आगे आइए नेक्स्ट 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 एक होल आधारित प्रणाली में होल यच के लिए में देखो होल यच के लिए पूछा है पूछा होल एज के लिए चलो बताओ सिंपल क्वेश्चन है लिमिट फिट टॉलरेंस है चलिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना इतना कर देना देखो और आप चाहिए सारे सेट आपको यहीं मिल जाएंगे मेरी क्लास में मिल जाएंगे सारे सेट सॉल्व करवा दूंगा कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है ना कोई पीडीएफ लेने कुछ नहीं यहीं पे आ ठीक है चलो बताओ क्या पूछा है एक होल आधारित प्रणाली में होल यज के लिए निम्न विचलन क्या होगा बताइए हाँ हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही जीरो मेरे यहां पे किसका पूछा होल ग्ले तो होल क्ले सीधा सीधा जीरो होता है 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 ठीक तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने बोला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की, की गहराई को कहा जाता है द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ वेल्ड इज नॉन एज एक नंबर का क्वेश्चन है डीआरडीओ में पेपर में छपा था डीआरडीओ का पेपर में आया हुआ है आप सेल के पेपर में उठा के देख लेना ये भी पेपर में आया क्योंकि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको कहोगे सर वेल्डिंग का क्वेश्चन आता है, अरे भाई साहब सात से आठ क्वेश्चन आपको धरे मिल जाएंगे इतना जान लो ठीक है चलो बताओ हा सिक्स चलिए सिक्स नंबर हां पेनीटेशन पेनीटेशन सभी बच्चों का हां सुशांत जी कह रहे हैं डी सुशांत जी कह रहे हैं ड्रैक सी सर सिप्ट हाँ डी ए ए कुछ बच्चों का ए रहा है, कुछ बच्चों का डी रहा है, ऐसा क्यों हाँ? बिल्कुल सही बिल्कुल सही ए इज द राइट आंसर देखो पेनीटेशन इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने बोला ठीक है पेनीटेशन इज द राइट आंसर ये आपका डिफेक्ट होता है अगर आपने बेल्डिंग चैप्टर इसरो के बैच में पढ़ रखा होगा ना तो मैंने आपको एनिमेटेड बता दिया है कि भैया ये जो डिफेक्ट हो रहा है किस कि कारण से हो रहा है एनिमेशन साथ साथ दिखा दिया है वेल्डिंग बच्चे किया भी नहीं होगा ना डिफेक्ट कैसा होता है उसको भी पता होगा ठीक है चलो आगे आइए नेक्स्ट पहली टेन प्राकृतिक संख्याओं का फल क्या होगा मतलब कि सम ऑफ द फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर इज अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया तो पेपर देना छोड़ देना बहुत ही सिंपल और सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकता है अभी तक के सेट का नॉन टेक में पूछते हो ना सर नॉन टेक में क्या आएगा यही सब आता है हाँ उठा लेना अभी लेटेस्ट वाला पैटर्न देख लेना खुद ही पता चल जाएगा चलो बताओ राइट आंसर देखो फार्मूला सिंपल है फार्मूला सिंपल है फार्मूला सिंपल है ठीक है चलो हाँ सेवन सेवन का बच्चा कह रहा है सर पचपन कुछ बच्चे कह रहे हैं पचपन कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए ए ए बिल्कुल देखो फार्मूला क्या होता है फार्मूला नोट कर लो फार्मूला इंपॉर्टेंट है अगर आपको फार्मूला पता है ना तो डायरेक्ट आप लगा लो क्या होता है यस इक्वल टू एन प्लस एन प्लस वन इक्वल टू बटन टू ठीक है ये होता है आपका फार्मूला ये नोट कर लो इससे डायरेक्ट आ जाएगा आपका आंसर ठीक है रख देना वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने बताया पचपन इज द राइट आंसर ठीक है चलो कई सारे मैथड होते हैं देखो ये तो मैंने आपको फॉर्मुले बता दिए वैसे लॉन्ग मेथड भी करना तब भी आ जाएगा ठीक है सब निकाल दो टेन तक और उसको ऐड कर दो तब भी बचपन आ जाएगा ठीक है चलो बेल न कर बाहे पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाने के उत्पन्न चित्र का कहा जाता देखो है देखो हिंदी पढ़ोगे तो भाई साहब कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए कभी भी पेपर हो किसी भी डिपार्टमेंट का पेपर हो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ के देख लिया करो ठीक है तब जाके क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है हिंदी में नहीं समझ में आते हैं। तो वहां पे इंग्लिश समझ में आ जाती है ठीक है क्या लिखा है पैटर्न ऑफ सिलेंडिकल पैटर्न ऑफ सिलेंडिकल वो एक्सटर्नल सर्फिस बाई प्रेसिंग प्रेसिंग ऑफ टूल नॉनेज सिंपल सा क्वेश्चन है चलो बताइए हाँ बिल्कुल सही ए रंजीत कुमार सी अनु विजय बिल्कुल बिल्कुल ठीक है Right देखो पे क्या? एक ऑपरेशन तो है, है, तो नल्लिंग. नल्लिंग होता है वहां पे थोड़ा सा मोटा मोटा देखो मोटा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कोर्स नल्लिंग मीडियम नल्लिंग और फाइन नलिंग का इनका क्या कहते है मान क्या होता है टीपीआई में मान क्या होता है टी पर इंच में मान क्या होता है फिगर भी आता है ये भी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट्स होता है आपसे पूछेगा ये कौन सी नर्लिंग होती है ये चीज पता होना चाहिए ये कौन सी नर्लिंग होती है ये चीज ये कौन सी नर्लिंग होती है ये चीज ये होती है स्टेट नर्लिंग ये होती है क्रॉस नर्लिंग और ये होती है डायमंड नर्लिंग क्योंकि क्वेश्चन बन के आते हैं फिगर वाले मगर यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपसे पूछे कोर्स नर्लिंग का मार्क

द सेप ऑफ द रास्कट फाइल रास फाइल का जो सेप होता है वो कहां पे होता है और कहां पे यूज हो जाती है ये तो आपको पता है 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 जो जो आपकी आपकी फाइल होती होती वर्किंग ना हुड हुड वर्किंग लकड़ी कुड़ी के जो आपके होते हैं हुड वर्किंग लेदर वर्किंग वहां पे आप कर सकते हो रास फाइल का मगर यहां पे आपसे क्या पूछा है यहां पर पूछा है उसका सेप तो ये बताइए चलो बताइए सेप क्या होता है चलिए हा चलिए बिल्कुल सही सी सी हाफ राउंड फाइल बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट हाफ राउंड फाइल इज द राइट आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है देखो क्या पूछा है हाफ राउंड फाइल फाइल बिल्कुल सही हाफ राउंड इज द राइट अच्छा थोड़ा सा बता दिए कैसे होती है देखो ध्यान से देखो ये हमारी क्लास की नोट्स है अगर आप इसरो के बैच में जुड़े होंगे तो आपको नोट तो मिलती रहेगी क्लास की नोट देखो रास कट फाइल रास कट फाइल इंडिविजुअली कहा यूज फॉर फाइलिंग फुट लेदर एंड सॉफ्ट मटेरियल पे These are available only half round, safe. होती है आपकी जैसे आपको दिख रहा है मेकिंग द विटनेस मार्किंग विटनेस मार्किंग करने के लिए कौन सा पंच का यूजिस किया जाता है उसका एंगल क्या होता है यह पूछा देखो प्रिंट पंच सेंटर पंच आपका प्रिंग पंच तीस वाला और सेंटर पंच नब्बे वाला देखो ध्यान से एक तो होता है सेंटर पंच आपके। सेंटर पंच पंच आपके कहां पे जैसे आपके कोई बिट है आपके बिट है है ठीक जो आपकी होती तो उनको एक स्थान देने के लिए डिलबिट के पॉइंट को स्थान देने के लिए ठीक है डिलबिट के पॉइंट को स्थान देने के लिए वहां पे हम किसका सेंटर पंच का यूज करते हैं डॉट पंच हम वहां पे यूज करते हैं नॉर्मली जैसे आपका डॉट पंच एक कहते हैं जो आपके डिवाइडर नहीं होता उनको पॉइंट को स्थान देने के लिए वर्कशॉप में सबसे ज्यादा कौन सा डॉट पंच का यूज पंच पतली पतली सीटों पे पंच करना है वहां पे मगर विटनेस मार्किंग करने के लिए आप साठ वाला जो डिग्री है ना उसका यूज कर सकते हो विटनेस मार्क तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने बोला ठीक है चलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीआरडीओ का पेपर उठा के देख लेना का पेपर उठा के देना, ये हैं, तो ब्लेड सेट का वर्गीकरण कर सकते हैं आपको पता है कि जब आप हेक्सा ब्लेड पढ़ते हो तो उसकी जो सेटिंग होती है ना बहुत सारी वेब सेटिंग मीडियम सेटिंग ठीक है जिगजैग सेटिंग भी होती है आपने सुना होगा कि कोर्स मीडियम फाइन वेरी फाइन ये तो सब आपने पढ़ रखा होगा मगर यहाँ पे क्या पूछा है सेटिंग तो क्या मीडियम वेब सेटिंग है या आपका मीडियम स्टेगार्ड सेटिंग है या फाइन स्टेगार्ड सेटिंग है या फाइन वेब सेटिंग चलो देखते हैं किस बच्चे का राइट आंसर आता है चलिए हाँ ग्यारह का डी पिंटू जी कविता जी शिव भाई शिव भाई का आ गया प्रांशु कुमार सी सी बच्चा एक बार फिर से देखो फाइन वेब सेटिंग ठीक है तो सिलेबस बताओ आप प्लीज सर प्लीज देखो बच्चा सिलेबस आप आप जाना सिलेबस आ जाएगा देना आ जाना, तो आंसर जिन दिया। तो ये है तो ऑप्शन रट लो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हंड्रेड परसेंट पेपर में आने वाला है चलो आगे ये बहुत ही सिंपल और क्वेश्चन है क्या पूछा है देखो क्या पूछा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ आरपीएम आरपीएम पूछा है यहीं से हाई स्पीड डिल बिट भैया आपका इतना दे रखा है द कट वर्क पीस फास्ट फोरस ब्रॉंचम कटिंग स्पीड एच एस एंडस ब्रॉन्च इतना देखो सिंपल सा है इसमें दिया क्या क्या है पहले देखो दिया क्या है आपको फाइन करना है, तो एक तो ठीक है आपको दिया क्या है डी का मान दिया है कितना डी का मान दिया है चौबीस ठीक है डी का मान दिया है चौबीस कटिंग स्पीड कितना दे रखी है कटिंग स्पीड दे रखी है पैतीस मीटर प्रति मिनट ये इसकी होती है ठीक है आपको क्या निकालना है आपको निकालना एन मान लो या आर पी एम निकालना है ठीक है ये अब देखो इसके लिए फार्मूला क्या होता है फार्मूला सर ने बताया था सर फार्मूला लग दोगे तो सीधा सीधा आप कैलकुलेशन कर लोगे ठीक है फार्मूला मैंने बताया था आपको कि जब भी देखो आप कटिंग स्पीड का नॉर्मल है पाइडीएन बटे मगर यहाँ आप तो आरपीएम निकलना है तो आरपीएम को बाहर रखो आरपीएम आरपीएम अब कटिंग स्पीड हो गया गुण एक हज़ार इंटू पाई इंटू डे ठीक है ये जब आप रखोगे तो राइट आंसर आपका माना ठीक है थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देना आ जाएगा हाँ छे चार सौ चौसठ हाँ देखो चार सौ चौसठ बच्चे जब आप कैलकुलेशन करोगे इसकी चार सौ चौसठ देखो निकलने वाला है चार सौ चौसठ मगर ऑप्शन में उसको माना है ऑप्शन नंबर ए कि थोड़ा सा आसपास ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जब आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर ये आएगा चार सौ चौसठ आएगा मगर ये तो है नहीं एग्जाम में मतलब ये ऑप्शन में तो है नहीं बट

तो आपसे ये पूछा है तो सीधा सीधा आपसे पूछा है। एक नंबर का क्वेश्चन है ठीक है देखते हैं फिगर कि नहीं हाँ फिगर है ठीक है ये तो आपको दे रखा है ठीक है ये दे रखा है ये भी दे रखा है आपका ये मान पूछ रहा है भैया कितना है चलो बताओ <coughs> कई बार मैंने पेपर में सॉल्व करा रखा है इसको है हाँ, ना चलिए बिल्कुल बी इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ठीक है देखो उससे उससे माइनस कर दो इसका माइनस कर दो सीधा सीधा आपका राइट आंसर आ जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर चलो ठीक है सिंपल था बड़े व्यासों के बहुल छिद्रों में प्रवेधन के लिए एक प्रवेदन मशीन का चयन करो इंग्लिश पढ़ लो आ जाएगा राइट right आंसर देखो क्या कह रहा है कि चूजिंग द डीलिंग मशीन ऑफ द डील मल्टीपल होल्स इन लार्ज डायमीटर मल्टीपल होल करना है और लार्ज डायमीटर में तो वहां पे कौन सी मशीन का यूज करोगे तो ऑप्शन में क्या दिया है आपको पहला दिया है सेंसिटिव बेंच टाइप ड्रिल मशीन पिलर टाइप ड्रिल मशीन कॉलम टाइप ड्रिल मशीन या रेडियल मिलिंग मशीन ठीक है चलो बताओ चलिए हाँ। अरे एक बच्चा कह रहे सर एक्सप्लेन अरे भाई साहब एक्सप्लेन तो करने की जरूरत नहीं ये तो साठ है ना अब आपका इंग्लाइंड के अंदर कितना है आपका उनतालीस पॉइंट नाइन उनतालीस पॉइंट फाइव ठीक है अब इसको इसको पहले इसको इससे माइनस कर दो और जो भी वैल्यू है उससे माइनस कर दो तो आपका राइट आंसर आ जाएगा हां भाई ऐसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने नहीं आपको मन में करना आ रहे मान लो कि आपको रैक एंगल मैंने 20 दे दिया ठीक है अब इसको दे दिया मैंने कितना साठ अब क्लियर एंगल बताओ अब क्या इसको एक्सप्लेन करने भैया आपको पता है कि सर टोटल तो 90 होते हैं है ना ये हो गया अस्सी तो सीधा सीधा दस तो यही निकल आया ना ठीक है इसको एक्सप्लेन ऐसे नहीं ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना कि आपको देख के देख के अंदर ही अंदर आपको कैलकुलेशन कर लेनी है ठीक है चलो आगे आइए नेक्स्ट हाँ क्या पूछा है लार्ज तो रेडियल ड्रिल मशीन इज द राइट आंसर ठीक है आप देखो इसमें आप 100 एम mm तक थोड़ा लिख लो 100 एम mm तक के आपको डिलविट जो होती है ना 100 एम mm तक के जो डिलविट होती है ना डिलविट उनको आप कर सकते हो क्या होल्ड कर सकते हो ठीक है होल्ड किया जा सकता है अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए सर एक्यूरेसी एक एक्यूरेसी में मतलब तो आप होल्ड करना है तो बीच का यूज कर सकते हो ठीक है क्योंकि क्वेश्चन आते हैं क्लियर है एक सौ पच्चीस मिलीमीटर प्रयास में मीटर बाहरी सूच मापी के एक क्षण ब्याज मापने के लिए किया गया तो बैरल पे आपको तो ये दिखा रखा है मतलब मेन स्केल बोले तो ठीक है और आधार लेखा लाइन के अनुकष अंगू कण अंकुशन 28 है तो क्षण का अभ्यास करो देखो हिंदी से इंग्लिश में पढ़ लेना क्योंकि थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है मगर हिंदी में अगर पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है देखो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि जब भी आपको रीडिंग दे तो भैया मेन स्किल डिवीजन मेन स्किल डिवीजन प्लस सर्कुलर सर्कुलर स्किल डिवीजन ठीक है इंटू क्या होता है लिस्ट काउंट ये होता है आपका फॉर्मूला है ना बिल्कुल बस रख लो तो मेन स्किल डिवीजन क्या है चाहे मेन बोल दो आपका बैरल तो भैया सोलह है ठीक है सर सोलह फाइव है प्लस सर्कुलर स्किल डिवीजन कितना है सर सर्कुलर स्किल डिवीजन है अट्ठाइस तो यहां पर अट्ठाइस रख लो ठीक है लिस्ट काउंट क्या होता है जीरो पॉइंट जीरो वन किसका माइक्रोमीटर का पूछा है तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर जो लो सिक्स पॉइंट फाइव और यहाँ पे कितना आएगा पॉइंट टू एट क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट टू एटी तो आएगा ना यहाँ पे क्लियर तो यहाँ पे जब आप ऐड यहाँ पे सेवन पॉइंट सिक्स जीरो ये आया ऑप्शन में है ऑप्शन hmm, में तो है नहीं मगर हाँ एक चीज देख लो यहां पर रेंज दे रखी है देखो ध्यान से अगर जब भी रेंज दी होगी ना तो रेंज भी ऐड होती है क्योंकि यहां पे हैंड्रेड से लेके एक सौ पच्चीस दे रखी है अगर यहां पे जीरो से लेके पच्चीस देखी ना तो कोई मतलब तब इसका राइट आंसर आ जाता है क्योंकि जीरो ऐड नहीं होती मगर यहां पे हैंड्रेड तो हैंड्रेड को सीधा सीधा ऐड करोगे तो राइट right आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है सिंपल सा है ज्यादा कुछ कंप्लीकेट नहीं करना तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बन प्रतिशत मात्रा क्या होती है जो आपकी रॉड होती है उसका कार्बन कंटेंट क्या होता है ये पूछा है बताइए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है चलिए सुशांत जी बिल्कुल 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 सही है और जो बच्चे ऑफलाइन वाले हैं वो तो जरूर देख लें वीडियो को क्यों क्योंकि आज टेस्ट करवाया था ना तो उसका आंसर आपको यहीं भी मिल जाएगा ठीक है चलो हाँ हाँ ऑप्शन नंबर सी सी इज द राइट आंसर सी इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने सी बताया है उनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन है चलो हाँ एक चीज और है जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वीडियो बार के चित्र से संबंधित प्रश्न डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने वीडियो दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना या जाना इन्फोट्रेट डालना इन्फो इन्फोट्रेट डालना और डायग्राम डाल देना डाय डायग्राम क्वेश्चन डाल देना और ये वीडियो जरूर देख के जाना चाहे पैदल जा रहे हो पेपर देने जाए बस से जा रहे हो गाड़ी बुक करके जा रहे हो क्यों क्योंकि तो जितने भी आपके डायग्राम के क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे और हर एक एग्जाम में दो से तीन डायग्राम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो वॉच करके जरूर जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जस्ट नीचे है ठीक है ओके चलो आगे आइए आगे आइए हां क्या लिखा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑप्टिंग सॉफ्टनेस सॉफ्टनेस एंड इम्प्रूव द मशीनबिलिटी इंक्रीज द डेक्टिटी एंड रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस टू रिफाइन द ग्रेन साइज कॉल्ड बताइए किससे कर सकते हैं एनलिंग नॉर्मलाइजिंग एनलिंग हो गया नाइट्राइडिंग हो गया टेम्परिंग हो गया हार्डनिंग ये आपके हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है ठीक है सर इसरो का एडमिट कार्ड कैसे निकलेगा कौन सा बच्चा इसरो का एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं आप हाँ? चलिए बताइए सिंपल सा क्वेश्चन है चलिए हाँ बिल्कुल 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 ए ए बिल्कुल ना ठीक right है क्योंकि यहां पे आपको सॉफ्टनेस भी करनी है भाई साहब इंप्रूव द मशीन बिलिटी जिससे कि उसको आसानी मशीनिंग की जा सके और वहां पे इंक्रीज द डेक्ट कुछ आपको बजानी है तो वहां पे आप एलिंग ऑपरेशन कर सकते हो तो। ठीक है तो चलिए आगे ये एक बच्चा कह रहा है सर हेलो सर आई एम हरिद्वार ठीक है वेलकम है आपका हरिद्वार में एट द रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील ठीक है रूम टेम्परेचर पे प्लेन कार्बन स्टील क्या होती है फेराइट एंड सीमेंटाइट जो स्ट्रक्चर पूछा जाता है फिएलाइट एंड पीएललाइट एंड फेराइट एंड पीएललाइट पीएललाइट फेराइट सीमेंटाइट एंड पीएललाइट चलो बताओ सेंटर ही बहुत दूर गया है चलो चलो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका फटाक से हाँ बी बी डी किसी का बच्चे का अनूप शर्मा के डी आ रहा है कुछ बच्चों का बी आ रहा है तो डी बी डी जी तो ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही था ठीक है तो डी इज द राइट आंसर कहां कौन सा कौन सा प्लेन कार्बन कार्बनशील में स्ट्रक्चर होता है फेराइड होता है सीमेंटाइड होता है और पीएल लाइट होता है ठीक है आप अगर हीट ट्रीटमेंट पढ़े हो तो वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया ठीक है चलो आगे ये नेक्स्ट वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट वर्क होल्डिंग एसेसरीज ऑन द लेथ वर्क होल्डिंग एसेसरीज नहीं है तो आपको यह चीज पता होना चाहिए कि वर्क होल्डिंग एसेसरीज कौन कौन सी होती है एंड वर्क सपोर्टिंग कौन कौन सी होती है किसकी बात कर रहा हूं लेथ मशीन की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपसे बनते ही बनते हैं ठीक है चलो बताइए फेस प्लेट मैंड्रिल या सेल्फ सेंटिंग चैट या कैच प्लेट इनमें से वर्क होल्डिंग एसेसरी नहीं है ठीक है वर्क होल्डिंग एसेसरी नहीं है नहीं बात कर रहा चलो बताइए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सी इज द राइट आंसर क्योंकि ये क्या है सर ये जो होती है कैच कैच प्लेट क्या होती है ये होती है आपकी वर्क सपोर्टिंग एक्सेसरीज कैच प्लेट हो गया रेस्ट हो गया ठीक है यहां तक कि आपकी जो डॉक क्लच डॉक कैरियर नहीं होते वो भी हो सकते हैं मगर ये जो आपकी फेस प्लेट होगी ठीक है मैंड्रिल हो गया और आपकी सेल्फ इंडिक ये जितने भी होते हैं ये वर्क होल्डिंग डिवाइसेस होते हैं ठीक है ठीके? चलो आगे नेक्स्ट फ्लोविंग कंट्रोल दिप्सिकल वाइल्डिंग वर्तन मतलब करतन के दौरान एंगल या रैक एंगल एक नंबर का सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पेपर में छपा हुआ आया हुआ है ठीक है चलो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना लाइक तो आप कर ही दोगे जवाब करके कर जाना मतलब इससे पहले आपको शेयर कर देना शेयर इसलिए कर देना क्योंकि और भी बच्चों को फायदा हो जाए है ना चलो बताइए एंगल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सही एंगल एंगल क्योंकि चिप के फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है ओनली ओनली जो एंगल होता है वो रैक एंगल होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कई बच्चों का ये क्वेश्चन आता है समझ में नहीं आता सर ये लिखा क्या है देखो यहां पे लिखा तीस या सेवन जी के जी सिक्स के रूप में अभिव्यक्त किया गया अब आपसे यहां आप पे पूछ ले कौन से फिट है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नोट्स दिखाता हूं कि सर थोड़ा सा समझने के लिए देखो ध्यान से क्लियरेंस फिट ट्रांजेक्शन फिट इंटरफेरेंस फिट तीन फिट होती है और होल बेसिस सिस्टम आपका पता है होल बेसिस सॉफ्टवेयर उस तो बात की बात है ठीक है तीन फिट होती है अब देखो सर जी आप ब्रिजेश जो जानते हैं हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं बिल्कुल जानते हैं बताते हैं clearance पे transaction पे इंटरफेरेंस पे बात सुनो C D E F G H अगर कोई भी जब आप क्या कहते हैं जब इंडिकेट करते हो टॉलरेंस को तो उस उस कंडीशन में अगर डिजिट लास्ट डिजिट इनमें से कोई आ जाए तो वो डायरेक्ट डायरेक्ट clearance पेट होती है ठीक है दूसरा transaction पेट क्या होती है J K M N अगर

फिर ये इंटरफेन्स फिट कैसे क्योंकि यहाँ पे ये जो सॉफ्ट ये ये स्मॉल में तो ये चला गया सॉफ्ट बेसिस सिस्टम तो यहाँ पे आप पकड़ना है तो ये किसका हो गया इंटरफेरेंस और पी कहाँ था पी 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 ये रहा तो इंटरफेरेंस फिट बात समझ है सर? किस में ई कहा किसमें 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 ये रहा सर ई कौन सी फिट है इंटरफेरेंस फिट ठीक है ये होती है क्लियरेंस तो क्या पूछा कैसे दिया क्या था याद ध्यान से देखो क्या दिया था कि सर जी जी से पकड़ना है कौन सी फिट क्लियरेंस फिट क्योंकि आपको मैंने कहा बताया ये बताया ना सर तो स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट भाई साहब छपने आया छप चप, छपा पेपर आ जाएगा स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है मैं हट जा रहा हूं लोग स्क्रीनशॉट ले लो ये डाटा अगर आपने ऐसे याद कर ले कभी भी ये वाले क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होंगे ये वाले क्वेश्चन तो कभी गलत कोई भी नंबर दे दे एक्स बाई जेड कभी गलत नहीं होने वाले ठीक है ये चीज तो, आगे देखो आगे एक चीज और देख लो नाट तो, नोट टाइप ऑफ फिट यहां से भी क्वेश्चन आते हैं इसके फिगर वाले भी क्वेश्चन आते हैं क्यों क्योंकि यहां पे मैं ज्यादा मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं क्योंकि कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर फिट का पूछे डोनेट कर सकता है भैया कि आपको ये फिगर है एक बताओ वाला, ये ये वाला कौन सी फिट हो गई है ना ये आपका फिगर है मतलब ये कौन सी फिट होगी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे मगर यहां पे देख लो टाइप ऑफ फिट क्लियर फिट इंटरफेरेंस फिट ट्रांजेक्शन फिट क्लियर फिट क्या होती है वो तो बात की बात है मगर इनका एग्जाम्पल देख लो देखो स्लाइड फिट रनिंग फिट स्लाइड फिट लूज रनिंग फिट लोकेशन फिट ये किसके अंतर्गत आते हैं ये फिट जहां होल का साइज साइज बड़ा और साथ का छोटा होता है ठीक है यहां इंटरफेरेंस फिट फोर्स फिट ड्राई फिट टाइट फिट सिंक फिट और फ्री फिट ये किसके अंदर इंटर जहां स्वाप का साइज बड़ा होल छोटा ये होती है ना थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत होती है तभी जाके आपकी फिट प्राप्त होती है ठीक है ट्रांजेक्शन फिट पुश एंड स्नेक एंड रनिंग फिट ये होती है आपकी ट्रांजेक्शन पे लाइक आपका पिन का कैप हल्का सा पुश करके हो जाता है ठीक है समझ में चलो, आगे नेक्स्ट 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 बहुत ही सिंपल सा सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ये नोट कर लेना स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ऐसे नोट्स आपको मिल लेंगे कहीं नहीं इसरो के बैच में मिलेंगे लिमिटेड कंटेंट और वो भी सिलेक्टेड वाला आपको यहीं पे मिलेगा ठीक है चलो आगे नेक्स्ट आपको दिया है भैया कि होल का साइज तो ये रहा ठीक है सर यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं पूछा होती क्या है तो उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा चलता हूं आगे आगे मतलब थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि ये चीज तभी आप कर पाओगे जब थोड़ा सा थ्योरी पढ़े होगे थ्योरी कैसे देखो ध्यान से एक लाइन का सब आंसर है देखो होल बेसिस नहीं समझ में आया सर अरे बच्चा नहीं समझ में आया अभी भी नहीं समझ में आया देखो सुनो बच्चा इधर आओ ये ना स्क्रीनशॉट ले लो आप पहली बात तो जिनको नहीं समझ में आया स्क्रीन ले लो और कई सारे जो भी कई जहां भी आपको मिले ऐसे क्वेश्चन इसके माध्यम से करो कभी जिंदगी में गलत नहीं होंगे इतना जान लो ठीक है चलो आगे ये समझ लेना देखो अलाउंस क्या होता है क्योंकि उसको लगाने के लिए पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए अलाउंस क्या होता है अलाउंस आपकी दो अलाउंस जहां पे दो मैचिंग पार्टों में बीच में अंतर रखा जाता है जानबूझकर इसलिए क्योंकि वो फ्री से घूम सके मतलब फ्रीली फ्रीली आराम से मुड़कर घूम सके बात की बात है ठीक है आइए देखो दो टाइप के होते हैं सर एक पॉजिटिव लाउंस होता है एक नेगेटिव आउंस

जो साइज है होल का जो साइज है ना वो होता है बड़ा ठीक है होल का साइज बड़ा होता है और जो आपका सॉफ्ट का साइज होता है माइनस माइनस यहां पे लिख दो सॉफ्ट का साइज यहां लिख दो तो यहां पे और जो सॉफ्ट का साइज होता है सॉफ्ट का सॉफ्ट का साइज सॉफ्ट का सॉफ्ट का, का यहां पे लिख दो साइज साइज छोटा होता है ठीक है स्मॉल होता है ये लिख लो ठीक है ये तो इसकी थ्योरी हो गई सर दो टाइप के अब देखो मिनिमम पास्टिव लॉन्स और मिनिमम क्लियर लॉन्स दोनों लैंग्वेज सर अलाउंस और क्लेंस में क्या डिफरेंस होता है ना बड़ी हो जाती है। का जो होता है न, वो साइज वो हो जाता है क्या बड़ा ठीक है यहाँ पे लिख देता हूं बड़ा मगर होल का साइज छोटा हो जाता है होल का होल का जो साइज होता है ना वो होल का साइज हो जाता है छोटा ठीक है इस कंडीशन में हो जाता है क्या छोटा ठीक है किसमें मिनिमम पास्ट लॉ ये मैं इसलिए बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा कि पूछ के सो क्या पूछ रहे हैं ठीक मैक्सिम निगेटिव तो यहां पे मैक्सिमम निगेटिव सॉप का साइज बड़ा लिख लेना क्योंकि सॉप का साइज बड़ा हो जाता है और होल का साइज छोटा यहीं पे मिनिमम निगेटिव की बात पूछे या मिनिमम इंटरफेरेंस की बात पूछे तो वहां होल का साइज होता है क्या बड़ा और सांप का सही छोटा है छोटा तो ठीक है यहाँ पे देखो 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 एक बच्चा कह रहा है सर अठारह गलत बताया अठारह पहुंच गए क्या अठारह क्या गलत बता दिया हाँ अच्छा ये ये तो आप बता दो जी हैंडसम उड़ीसा जी आप बताओ क्या बताओ आप क्या बता रहे हो ठीक है भैया ऑप्शन में एग्जाम ने जो माना तो बताएंगे हम है ना तो आप बता दो क्या बताएं चलो ठीक इधर देखो इधर देखो, देखो ध्यान से देखो क्योंकि तो, तो बहुत सारे आए तो आती रहती है तो सर होल का साइज बढ़ा कहाँ पे है? तो भैया यहाँ से लो ना होल का साइज बढ़ा बिल्कुल सही होल का साइज बढ़ा कितना आया पच्चीस ठीक है बिल्कुल सा, सही और साफ का साइज हमें छोटा लेना है तो साफ का साइज छोटा कहाँ पे आएगा सर ये रहा ये रहा क्योंकि यहाँ पे कितना आया पच्चीस पॉइंट जीरो टू टू जब इसको आप माइनस करोगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सिंपल सा ठीक है चलो ओके ये बच्चा कह रहा सी थी, है सी राइट आंसर ठीक है जी तो चेक कर लेंगे कोई बात नहीं। चलो, आगे। तो ये नोट कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नोट्स हैं आते हैं ठीक है तो लिखो द गैस करतन परचालन में उत्पादन उत्पन्न करतन की चौड़ाई को कहा जाता है बहुत ही सिंपल और ये सबसे मस्त क्वेश्चन है ठीक है चलो चलिए कविता यादव जी ए ठीक है ए जी, ए बिल्कुल ग्वागिंग या करकिंग या आपका बैबल या कर ठीक है तो कर किस द राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने बताया तेईस का हाँ तेईस का बी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही बिल्कुल सही चलो आगे गे. ए बिल्डिंग ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू कन्वर्ट जो बिल्डिंग ट्रांसफार्मर है वो कन्वर्ट क्या करता है ये क्वेश्चन को स्टार बना लेना क्यों क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके डी आर डी के पेपर में सेल के पेपर में यहां तक कि यू आर वी यू एन के पेपर में छपा था ठीक है पेपर छपा आया था ठीक है तो चलो बताओ हाँ चलिए क्या लिखा है तो गलत गलत छोड़ दो इसको AC main supply to DC supply, ये भी है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने बोला है ठीक है सी इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर चौबीस का हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही चलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है फाइल का संकीर्ण और पतला भाग जिस पर हत्या के साथ जोड़ा जाता है उसे कहा क्या कहा जाता है सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेरो ऑफ द थिन पार्ट टू फाइल कनेक्टेड टू द हैंडल क्या बोलेंगे टिप बोलेंगे या आप पॉइंट बोलेंगे या टैंग बोलेंगे तो सीधा सीधा इसको टैंक बोलेंगे एक नंबर का सबसे इजी क्वेश्चन है तो सी इज द राइट आंसर जिन बच्चों ने बोला ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल में निम्नलिखित में भागों में कौन सा भाग कठोरीकृत और पाइनित नहीं होता है फाइल के ऐसा कौन सा भाग है जो कठोरा मतलब हार्ड एंड टेम्परिंग नहीं किया जाता है सिंपल सा है चल बताओ 26 का हाँ, 26 का बिल्कुल बिल्कुल सही सही टैंक भैया टैंक को बा, बाग को छोड़कर बाकी सब पार्ट को हार्ड एंड टेम्पर क्यों क्योंकि तो वहां पे आप हत्ता लगाते हो और हत्ता लगाते हो भाई हैमर से तो इसलिए चोट लगे टूटे ना इसलिए हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा परोड़ प्रकार मापन उपकरण का उदाहरण नहीं है अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा है टिपकल है क्यों क्योंकि एग्जामिनर ने क्या माना है कि भैया सर ये नहीं है ठीक है ये नहीं है 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 अब देखा तो, देखा जाए जाए तो 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 क्या प्रोटेक्टर प्रोटेक्टर भी है? तो है। चलो मानता हूं ठीक है मार्किंग टेबल भी है क्योंकि मार्किंग टेबल पे रख दो तो एक माप जो निशान होते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हो ठीक है ये भी क्वेश्चन आपका आया मगर यहां पे कंफ्यूजन है क्या बैवल प्रोटेक्टर और बैबल गैन इनमें से क्या दोनों या एक है चलो बताओ छब्बीस का हाँ बी बी बेवल गेज बेवल गेज सर बेवल गेज बेवल गेज बेवल गेज तो है ही है सत्ताईस का भी सत्ताईस का भी बिल्कुल सही बेवल गेज इज द राइट आंसर क्योंकि एग्जाम ने नहीं इसको ही माना है ठीक है अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए है ए है तो ए नहीं है ठीक है बेवल गेज इज द राइट आंसर चलो आगे नेक्स्ट 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 3 अन्य भिन्न सिक्कों को उछाला जाता है तो उनमें अधिकतम दो चित्र मिलने की संभावना क्या कितनी होती है बढ़िया क्वेश्चन है चलो बताओ हावल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल 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 चलो बताइए तीन बटे चार एक बटे चार या तीन बटे आठ या एक सात बटे आठ तो इसका जो राइट right आंसर है सात बटे है। क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसको करके देख लेना क्योंकि है आप दो तीन कर सकते हो क्योंकि ऐसे बना के कर सकते हो ठीक है तो उसमें आप टोटल करो तब जाके उससे मल्टीप्लाई कर दो तब जाके आंसर आ जाएगा ठीक है तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड है कोई बात नहीं मगर लॉन्ग मैथड भी और शॉर्ट मैथड दोनों से कर सकते हो चलो द ग्लू विच इज रन टू द लेंथ ऑफ द डिस्क इज क्या बोला जाता है कोई आपका सर्पिल खांचा को जो प्रवेदन की लंबाई तक जाए तो उसे कहा जाता है यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है चलो बताइए क्या कहेंगे हाँ उन्तीस का सी बिल्कुल सही देखो भैया टैंक नहीं फ्लूट्स कहते हैं ठीक है फ्लूट्स क्योंकि पूरे बॉडी पे फ्लूटिस्ट बटे होते सर्कलिप से हेलिकल टाइप से ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में वह कर्तन तेल जो सूक्ष्म प्रेषण और अप अप अपरोधक को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है विच आर द फ्लोविंग कटिंग ऑयल इज यूज टू प्रिवेंट क्लॉग इन इन फाइन ग्राइंडिंग क्लॉगिंग फाइन ग्राइंडिंग में यूज होता है चलो बताइए क्या होता है हाँ हाँ आज का आज का देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके ना टोटल आपके टोटल तो, जो क्वेश्चन है ना इस सेट के टोटल जो क्वेश्चन है वो अस्सी क्वेश्चन है ठीक है अस्सी क्वेश्चन टोटल हैं तो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन है अभी हुए हैं तीस 30, 30 हुए हैं कल मैं आपको पचासों क्वेश्चन करवा दूंगा कल के जो पार्ट टू आनेगा ना पार्ट टू आएगा उसमें आपको मैं पार्ट टू में पूरा कल कर, करवा कर दूंगा नाइन पी पे सब लोग लाइट जुड़ जाना ना नाइन पी पे ठीक है नाइन पी पे बिना नोटिफिकेशन आए जाए ना आए थंबनेल देख लेना इन्फोटेट पर जाना कि सर का सामने लगाया नहीं बस क्लिक करना मैं साथ साथ लाइव दिख जाऊंगा ठीक है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है नहीं भैया आपका होगा सिंथेटिक सिंथेटिकलूबल तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और जिन बच्चों को क्लास लग, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब इसलिए कर देना कि मैं आपको दिखता रहूंगा कुछ ना कुछ धमाकेदार लाते हुए और लाइक इसलिए कर देना कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कमेंट इसलिए कर देना कि थोड़ा सा और एनर्जी आती है क्लास लेने में है ना स्लोबला है नहीं नहीं बी ठीक है आजाद तेजशनी जी बी सिंथेटिक सिंथेटिकलोवल तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कल मैं आपको पार्ट टू में जो पचास क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूंगा क्योंकि जो उधर के पचास क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अभी तो इजीज क्वेश्चन आया था अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक दबा दो पहली बात तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक दबा दो और कमेंट कर देना जरूर कि क्लास कैसे सर ये क्वेश्चन एनसिल में आया था हाँ अब कमेंट जरूर कर देना कि क्लास कैसी लगी कमेंट यार करते नहीं हो आप लोग मगर फिर से बोलता हूँ कमेंट कर दिया करो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं पैसे उसे नहीं आते मोटिवेशन मिलता है बस ठीक है चलो मिलते हैं आपको कल की क्लास में सारे सेट करवा दूंगा इतना मुझसे वादा करो बस सारे सेट करवा दूंगा यूट्यूब पर करवा दूंगा कल की क्लास नंबर टू पचास क्लास नंबर टू पचास क्वेश्चन करवा दूंगा धमाकेदार बस साथ में जुड़ जाना बस ठीक है और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं अगर मुझसे मेरे से पढ़ना चाहते हैं कि सर हाँ हम ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वेलकम है आपको कानपुर सेंटर में मैं ही हूँ अभी लाइव आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है ठीक है जब सभी को बाय बाय नमस्कार और मिलते हैं आपको कल साढ़े नौ बजे नौ नौ बजे नहीं नौ बजे साढ़े नौ नौ बजे लाइव ठीक है